بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب میں ہماری محفل کے خصوصی مہمان محترم جناب حضرت مولانا حافظ انعام اللہ عثمانی صاحب انہوں نے دعوت دیاں گا کہ وہ میک پہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ حضرت مولانا حافظ انعام اللہ عثمانی صاحب۔ الحمدللہ الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى آمنت بالله صدق الله العظيم وچ قرآن نبی دیا نعت لکھیاں نے ہر ور کے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے ہر ور کے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے نشرا سینہ
अखा माजा गल बसर उंगली नाल इशारे टुकड़े हुए कमर नशरा सीना अखा माजा गल बसर उंगली नाल इशारे टुकड़े हुए कमर लोआब नबी दे वेच शफावां लिखियां ने लोआब नबी दे वेच शफावां लिखियां ने हर वर के ते ओदियां बातां लिखियां ने विच कुरआन नबी दियां नातां लिखियां ने हर वर के ते ओदियां बातां लिखियां ने वज़ोहा वल्लैल इदा सजा ज़ुल्फ़ा सारे जग तो सोनिया हिमन जुदा ज़ुल्फ़ा पुछो उनानो जिन्ना रज रज तकियां ने गज के कहो सुभान पुछो उनानो जिन्ना रज रज तकियां ने हर वर के ते ओदियां बातां लिखियां ने विच कुरआन नबी दियां नातां लिखियां ने हर वर के ते ओदियां बातां लिखियां ने सत आसमानो पार ने कर गए वेख लवो पंद्रवा पाक सिपारा पढ़ के वेख लवो सत आसमानो पार ने कर गए वेख लवो पंद्रवा पाक सिपारा पढ़ के वेख लवो सारिया सैरां ते मुलाकातां लिखियां ने सारिया सैरां ते मुलाकातां लिखियां ने हर वर के ते ओदियां बातां लिखियां ने ओदा घसना जगनो यार घसा देंदा ओदा रोना सबनो यार रवा देंदा ओदा घसना जगनो यार घसा देंदा ओदा रोना सबनो यार रवा देंदा विच कियाम दे गुजरन रातां लिखियां ने विच कियाम दे गुजरन रातां लिखियां ने हर वर के ते ओदियां बातां लिखियां ने विच कुरआन नबी दियां नातां लिखियां ने हर वर के ते ओदियां बातां लिखियां ने हर किस्म दी हमदो सना किबरियाई बढ़ाई वहदाई यकताई अल्लाह रब्बुल आलमीन दी बाबरकत जात वास्ते खास अनगिनत ला तादाद दुरूद सलाम सैयद कौनैन इमामुल हरमैन इमामुना फिल दुनिया व इमामुना फिल आखिरा व इमामुना फिल जन्ना आमीना दे लाल पैकरे हुस्नो जमाल साहिब शर्फो कमाल तुसा और मेरे पीरो मुर्शिद खातमुन नबीयीन जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम ते हों मेरे दोस्तों भाइयों बुजुर्गो पर्दे अंदर बैठ के सुनने वाली इज्जत दे लायक एहतराम दे लायक इस्लामी रूहानी पर्दा नशीन मेरी माओं और बहनों अल्लाह रब्बुल आलमीन दा बेहद शुक्र है जिस अल्लाह मालिक ने दुनिया की भीड़ अंदरों निकाल के अपने पाक और मुकद्दस घर अंदर जमा हो के अपने वक्त नूं कीमती बनाने की तौफीक नसीब फरमाई दुआ है अल्लाह ताला साडा आना बैठना
कुरान और हदीस की गुफ्तगू सुनना सुनाना अपनी बारगाह कबूल फरमाए। अल्लाह पाक साड़ियाँ कमियाँ कुताहियाँ कमजोरियाँ गलतियाँ खतावं अपनी रहमत के नाल मुआफ़ फरमाए। मेरे तो कबल मेरी जमात दे माया नाज खतीब खतीब इस्लाम वादे श्रीबियान बुलबुल कुरान हजरत मौलाना कारी मोहम्मद खालिद मुजाहिद साहब बड़ा ही जामदार शानदार और मुदल्लल खताब फरमा चुके ने। दुआ है अल्लाह ताला कारी साहब दे इलम अंदर उम्र अंदर अमल अंदर बरकत फरमाए। जिन्हें भाइयों ने इस बजम को सजाया बिलखसूस भाई मोहम्मद अरसलान साहब अल्लाह ताला जितने इन्हों की असीज वफात पा गए सब दियाँ कबरां नूर नलमनवर फरमाए। और इस मेरे भाई ने जो कारोबार शुरू किया है अल्लाह खैर व बरकत का नजूल फरमाए। अल्लाह ताला हासिदीन दे हसद तो शरारतियां दे शर तो जादूगरां दे जादुआं तो महफूज फरमाए। भाई मोहम्मद अब्दुल्ला साहब दीगर मुअस्सिस दोस्त अहबाब अल्लाह सारे भाइयों की दुनिया भी सोहनी बनाए तो आखिरत भी सोहनी बनाए। सारे कह दो आमीन। कुरान मजीद अंदर अल्लाह ने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जिंदगी दे कुछ लम्हात का जिक्र फरमाया। ए महबूब जी असी तुहानूं यतीम पैदा करके बुलंद मकाम अता नहीं कीता। यानी अल्लाह ताला ने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं बुलंद मकाम बुलंद शान बुलंद मरतबा अता फरमाया। मेरे पैगंबर दा शान मेरे पैगंबर दा मकाम की है अल्लाह दी जात दे बाद सारी कायनात मिल के मुहम्मद रसूलुल्लाह दी शान दा मुकाबला कर सकदी उजी बोलो कर सकदी नहीं। जिन्हां दे बारे अंदर अम्मी जान सज्जदा ऐशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा ने बयान फरमाया काना खुलुकुल कुरान सारे दा सारा कुरान मुहम्मद रसूलुल्लाह दी शान अंदर आप दे अखलाक और किरदार दे अंदर है। जिदी शान अंदर रब दा कुरान है उस तो बड़ी असमत उस तो बड़ा मकाम क्या हो सकता है। मेरे जिम्मे उनवान लगाया गया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे आंसू पैगंबर दी जिंदगी दे मुश्किल लम्हात आप दी जिंदगी दे अंदर दुख मुसीबतां और परेशानियां किस किस दौर अंदर आईयां तवज्जो करना गौर करना साढ़े ते थोड़ी जी परेशानी थोड़ा जिहा दुख थोड़ा जिहा गम आ जाए असी ते अपने रब दा शिकवा करन लग जाने आ अपने अल्लाह दे गिले करन लग जाने आ ये सारियां मुसीबतां मेरी वास्ते ने ये सारियां परेशानियां साडे लई ने या कई आखदे ने साडी ते अल्लाह सुणदा ही नहीं साडी ते अल्लाह सुणदा ही नहीं। इस कंबले नूं ये नहीं पता केड़ी वड्डी गल कर छड़ी सूं कि साडी अल्लाह नहीं सुणदा अल्लाह ते ओहदी भी सुणदा है जिहड़ी सिया रात अंदर सिया पत्थर ते सिया चोंटी चलण वाली है अल्लाह ते चोंटी दे कदमां दी आहट नूं भी सुणदा है ते बंदा एडा छेती घबरा जांदा है मेरी सुणदा ही नहीं। अल्लाह सब दी सुणदा है तेनों मंगण दा वाली नहीं आया तू उंज मंगते सही। हजरत उमर दे दौर च किसी ने कहा ना नबीने ने मेरी अल्लाह नहीं सुणदा फरमाया अच्छा अखा मेरा अखा अखा वापस नहीं आदियां नबीना मैं चाहना कि अखा वापस आ जान बिनाई वापस आ जाए पर बड़ी दुआ करना कबूल नहीं होंदी पर मैं तेनो वाल दुआ कबूल करावण दा वाल नहीं आया आखे जी मैं ते बड़ी दुआ पर मैं अच्छा ठीक है जे तेरे दिन तेरी अखा ना ना आईया तेरा सिर ला देना तेरे दिन अखा जिनी दुआ करनी कर ला एक दिन दुआ अल्लाह सोने अखा दे दे अल्लाह सोने अखा दे दे एक दिन लंघ अखा नहीं मिली दूजा दिन या अल्लाह थोड़ा जहा पहले नाल ज्यादा अल्लाह सोने अखा दे दे अल्लाह सोने एक दिन रह गया हजरत उमर ने कहा सर ला देना या अल्लाह अखा दे दे वो दिन भी लंघ अगला दिन आया रो रो के गिड़गिड़ा के बड़ा तरले हाड़े या अल्लाह अखा दे दे अल्लाह सोने तू रहीम है तू करीम है अल्लाह कुली शहीन कदीर है अल्लाह तेनों तेरी खुदाई का वास्ता अल्लाह तेनो तेरी रहीमी करीमी दा वास्ता रो रो के गिड़गिड़ा के दिल दी गहराई नाल जदो रब नो पुकारिया अल्लाह ने अखा दी बिनाई वापस कर दी थी ते अखा बिल्कुल दुरुस्त हो गई हजरत उमर आ रही ने टाइम जो दिता सी हजरत उमर आ रहे हुण नजर आया ना हजरत उमर आ रहे दूर ही कह रहे जनाब उमर की हाल है इसु ठीक है आ वेखो मेरी अखा ठीक हो गई रमाया दा मतलब है तेनों मंगन दा वाल नहीं सी ओ ते अता करना
उंज मांगते सही जिमें सोने रब ने तेनो आखे है उमे रो के मांगते सही तेरा रोना भी अल्लाह नू पसंद आंदा है। पर जे रोईए ना आ बच्चे छोटे छोटे घराए च है ना ये बेचारे रोन ना दे मां रोटी नहीं दिंदी दूध नहीं दिंदी ते तू रब दी जात कोलों मंगना है एक ओदी ना फरमानी करना है ते तेनो रोना भी नहीं आंदा। दुआ करो अल्लाह अपने सामने रोन वाला बनाए। मेरे माँ बाप पैगंबर अलैहिस्सलाम नाल प्यार करने वाले आओ इमाम कैना सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दे नाल मोहब्बत करन वाले आ दीवाने आ परवाने आ तवज्जो करना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मेरे पैगंबर बैतुल्लाह दे अंदर मालिक कैना फरमा दे ने अलम यजीद का यतीमन फआवा व वजदा कज़ाल फहदा وَوَجَدَ إِلَى الْفَأَغْنَى जरा गज क्या को सुभान। मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम ने इमाम कैनात इस कैनात अंदर आए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजे इस कैनात अंदर नहीं आए। मेरे पैगंबर दे वालदे मोहतरम इस दुनिया तो रुखसत हो गए। जदों मेरे पैगंबर इस कैनात अंदर तशरीफ ले आए तवज्जो करना गौर करना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कबीले वाले बरादरी वाले फैमिली वाले आ गए आके आदने नी बीबिया मीना मुबारक होवे मुबारक होवे तेरे घर अंदर अल्लाह ने बेटा दा फरमाया अब्दुल मुतलब नो पता चल गया दौड़ दे आए आखे अनिया मीना ले आ मेरा पोतरा मेरिया बावां दे अंदर दे दे मेरा पोतरा मेरिया बावां दे अंदर दे दे पोपे वाल दे नौजवानो इर दागे तो आने वाले हो मोदे मेहमानो इस गल दा उस बजुर्ग नो पता वे जिदा जवान पुत्र दुनिया तो रुखसत होया इहदे घर दे अंदर अल्लाह ने बाद अंदर औलाद दित्ती है फिर औलाद नाल किन्ना प्यार होया करदे इंज करके अपने पोतरे नो उठाया नबी पाक दे मत्थे बोसा कीता नाले अखां दे विच आंसू आ गए नाले फरमांदे ने नी आमीना तेरे पुत्र दे हाथ ते मेरे अब्दुल्ला वर्गे ने तेरे पुत्र दे कदम ते मेरे अब्दुल्ला वर्गे ने तेरे बेटे दी अखां ते मेरे अब्दुल्ला वर्गियां ने तेरे बेटे दे लब ते मेरे अब्दुल्ला वर्गे ने इंज नजरां मारियां ने सैयदा आमीना जारो के तार हुई जा रहियां ने आखिया आमीना तेरिया अखें चांसों क्यों आ गए आखिया वे अब्दुल मुतलब अज सारे आए अबू जाल आया उन्हें आखिया नी आमीना मुबारक होवे अबू लाब आया उन्हें आखिया नी आमीना मुबारक होवे उतबा ते शहबा आए उन्हें आखिया नी आमीना मुबारक होवे तुसी आयो तुसी भी आखिया आमीना मुबारक होवे मैं इस वजह तो रो रही हूँ काश अज मेरा अब्दुल्ला जिंदा हुंदा काश अज सोने दा बाप जिंदा हुंदा अज अब्दुल्ला मौजूद हुंदा अब्दुल्ला आखदा नी आमीना मुबारक होवे नी आमीना मुबारक होवे आमीना दियां सारियां परेशानियां दूर हो जांदियां अज आमना दे खुशियां ते रंग ही वखरे हुंदे मैं ते इस वजह तो रो रही हूं ऐ जड़े मुबारकां देण वाले ने थोड़ी थोड़ी देर दे बाद अपने अपने घरां नूं चले जाणगे ऐ मेरे लाल नूं सीने नाल कौन लगाएगा ऐ मेरे बेटे नाल मुहब्बत ते प्यार कौन करेगा आखिया नी आमीना गम ना कर परेशान ना हो मैं अपने पोतरे दा ख्याल करांगा अपने अब्दुल्ला तू भी ज्यादा मुहब्बत करांगा अपने अब्दुल्ला तू भी ज्यादा प्यार करांगा पता फिर किवें दा प्यार कीते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदो मेरे पैगंबर ने दाई हलीमा सादिया दे घर अंदर वक्त गुजारे फिर इमामे कैनात वापस आए ने एरी पांच साल तो ते उम्र हुई है मेरे मुस्तफा दी नबी पाक बैतुल्ला दे बदार अंदर खेल रहे ने अज बच्चियां दे अंदर गल्लां होईयां किसी ने आखिया मेरा भाई बड़ा प्यार कर दे किसी ने आखिया मेरा बाप बड़ा प्यार कर दे मेरा बाबा ते बड़िया मुहब्बत कर दे किसी ने मेरे मुस्तफा नु सवाल कर दी तो इमामे कैनात दी अखां
बरस गई ने मेरे पैगंबर नो बाबा दियां मुहब्बत याद आईया इमामे कहनात चल पैने चलदियां चलदियां घर अंदर आए ने सैयदा आमीना ने वेखिया फरमादियां ने सदके जावा कुर्बान जावा मेरे मुहम्मद नो किने रुलाया मेरे पुत्र दियां खैजां सो क्यों आ गए बेटा दस ना की चाहिए आखिया मां दुनिया की कोई चीज नहीं चाहिए अम्मी भला दस ते सही नो मेरे बाबा अब्दुल्ला दा चेहरा किवें दा मेरे बाबा अब्दुल्ला दे हाथ किवें दे मेरे बाबा अब्दुल्ला दे कदम किवें दे अम्मी दस नो मेरे बाबा अब्दुल्ला जो बोलते सन किवें दे लगते सन बीबी आमीना दी अखा बरस गई ने दारो के तारोन लग गई आखिया वे मेरे पुत्र मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वली वसल्लम मैं सारे अरब अंदर नजर मारीए मैनू तेरे बाबा मुहम्मद जै मैनू तेरे बाबा अब्दुल्ला जैसा कोई नजर नहीं आया आखिया मी मेरा दिल कर दे मैं अपने बाबा दी कबर ते होया वा चल अपने बाप नू ते वेखिया नहीं है अपने बाप दी कबर ही वेख लवा आखिया वे मेरे सोने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे बाबा दी कबर ते बड़ी दूर है यसरब दी सरजमीन ते अब्दुल्ला दी कबर है पौने 500 किलोमीटर दा सफर है आखिया मी कोई गल नहीं जदों सफर शुरू करांगे चलदियां चलदियां एक दिन ते मंजिल ते पहुंच जावांगे एक दिन ते बाप दी कबर तक लांगा एक दिन ते बाप दी कबर ते पहुंच जावांगा अज पैगाम दिता वे अब्दुल मुतलब अब्दुल मुतलब आ गए आखिया वे अब्दुल मुतलब ऐ वेख ते सही तेरा पोतरा किवें दी फरमाइश कर दे आखिया बोल सुने मुहम्मद की कह रहे हैं वे सल्लल्लाहु अलैहि वली वसल्लम आका फरमाते ने दादा मेरा दिल कर दे मैं अपने बाप अब्दुल्ला दी कबर ते होया वा मैं अपने बाबा दी कबर तक लवा अब्दुल मुतलब दी अखा बरस गई ने अज पुराने जख्म ताजा हो गए अखा में चौंसू आ गए अज मेरे मुस्तफा नू सीने न लाया फरमाते ने नी आमीना सच पुछे ते दिल मेरा भी बड़ा कर दे मैं अपने जवान पुत्र दी कबर ते होया वा फूफे वाल दे नौजवानो शाला किसी का जवान ना टुर जाए शाला किसी के जवान किसी का जवान कबर साम ना पहुंच जाए ईद वाला दिन होंगे बुढ़ा बाबा चलदे आ चलदे हो अपने जवान पुत्र दी कबर ते कड़ा हो जाए जारो के तार रोन लग जाए अखे चांसू आ जाते ने बचे आओ अज ते परदेसी भी वापस आ गए अज ते दूर वसण वाले भी वापस आ गए अज ईद वाले दिन खुशियां कादियां खुशियां जे बचिया तू सामने नजर नहीं आंदा तो घर अंदर नजर नहीं आंदा अब्दुल मुतलब आखदे नी आमीना सच पुछे ते दिल मेरा भी बड़ा कर दे मैं अपने बेटे दी कबर ते होया वा अज काफला चल पे आवे काफला चलदे आ मौलाना सफियुर रहमान मुबारकपुरी साहब ने अर्रईकुल मखदूम अंदर लिखे है मेरे मुस्तफा भी चल पे ने अब्दुल मुतलब भी चल पे ने उम्मे ऐमन भी नाल ने सैयदा आमीना भी नाल ने सफर करदे आ किते दिनां दा सफर किते रातां दा सफर पौड़े 500 किलोमीटर दा सफर कीता जदों यसरब दी सरजमीन ते पहुंचे ने नौ अजक बकरियां दा चरवाया नजर आया आखिया जवाना इत्थे इक मक्के दे परदेसी दी कबर है इत्थे इक जवान दी कबर है उहने आखिया बजुर्गो ऐ जड़ी फलां कबर है इह कबर वाले दा नाम अब्दुल्ला वे इहदे बाप दा नाम अब्दुल मुतलब है इह शाम तू तिजारत करके वापस आ रहे असीं इत्थे ही फौत होया काफले वालिया ने इत्थे ही दफन कर दिता अखे चांसू आ गए अज अपने पुत्र दी कबर ते पहुंचे ने जारो के तार रोन लग गए सैयदा आमीना जदों खामन दी कबर ते पहुंचियां अखे चांसू डुल पै ने मेरे मुस्तफा अपने बाप दी कबर ते पहुंचे ने ते सैयदा आमीना फरमादियां ने वे अब्दुल्ला जरा वेख ते सही तेरी कबर ते कौन आए
अब्दुल्ला तक ते सही ना, अज तेरी कबर ते कौन आया। अब्दुल्ला जे तू जिंदा हुंदा अपने मुहम्मद नू अपने सीने नाल ला लेंदा। अब्दुल्ला जे तू जिंदा हुंदा अपने पुत्र नू वेख के किन्ना राजी हुंदा, अपने पुत्र नू वेख के किन्ना खुश हुंदा। नौजवानों तवज्जो करना, बड़ी देर मेरे पैगंबर अपने बाप की कबर ते रोंदे रह गए। शाला किसे दे मापे ना टुर जावे, मां दुनिया तो रुखसत हो जावे, बाप दुनिया तो रुखसत हो जावे, इंजी लग जाए जिमे घर वीरान हो गया है। ओए नौजवानो, जे बाप जिंदा ते कदर कर लो, अपने बाप की इज्जत कर लो। बाप जिंदा कोई समझाण वाला मौजूद है, बाप जिंदा वे कोई सीधे रास्ते पाण वाला मौजूद है, बाप जिंदा वे कोई तेरे वास्ते तिहाड़ियां करन वाला मौजूद है, बाप जिंदा वे कोई तेरे वास्ते फेरियां लाण वाला मौजूद है, बाप जिंदा वे कोई तेरियां फीसां भरन वाला मौजूद है, बाप जिंदा वे कोई तेरा घर बनाण वाला मौजूद है, बाप जिंदा वे कोई तेरी शादी करन वाला मौजूद है, बाप जिंदा वे कोई तेरियां फरमाइशां पूरियां करन वाला मौजूद है। ते जदो बाप टुर गया फिर किदे सामने फरमाइशां रखेगा, फिर लाड किदे नाल करेगा, फिर जिद किदे नाल करेगा, फिर तेरियां जिद्दां कौन पूरियां करेगा, फिर तेरियां गल्लां दा जवाब कौन देगा। खुदा दी कसम है जे बाप मौजूद है, अल्लाह दी बहुत बड़ी नेमत मौजूद है। बाप अल्लाह दी बहुत वड्डी नेमत है। बाप दे हुंदिया किसे शरीके दा ही पाला नहीं हुंदा, किसे दी टेंशन ही नहीं हुंदी। ते जदो बाप टुर जाए ना फिर समझाण वाला, बोलो यार चाचे ताए भी फिर मजाक उड़ांदे ने। बाप है जिहड़ा बंद कमरे विच समझांदा है, ए बाप है जिन्हों पता हुंदा है रात 2 बजे पुत्र किथे गया है। ते जो पुत्र वापस आंदा उन्ने देर बाप सौंदा भी नहीं, ते पुत्र आके सौंदा उन्हों हुंदा अबू नूं पता ही नहीं, ते उन्हों उदो ही चैन हुंदा जो पुत्र घर आ जांदा है। ते जे पुछ लै किथे गया सैं, झूठ बोल दिंदा फलाने बेदी कोल गया सा, फलाने कोल बाप नूं पता हुंदा है किथे गया सी, पर आंदा चल इन्हें राज रखिया ते राज ही रहिंदे। इंज दा लाड किसे नहीं करना, ए बाप है जिहड़ा तेरे राज नू राज रखदा है, ते तेरे गुनाहां ते भी पर्दे पांदा है, दुनिया ते पर्दे खोलण लई तैयार है। बाप औलाद दा रिश्ता वखरा हुंदा ए, तुर जावे जद बाप ते रोना पैंदा ए, तुर जावे जद बाप ते रोना पैंदा ए। ओए शेरा वांगो हौसले बाप सिखा देंदा, आप धक्के खा के पुत्र पढ़ा देंदा। शेरा वांगो हौसले बाप सिखा देंदा, आप धक्के खा के पुत्र पढ़ा देंदा। दस खां इंज दा हौसला होर किंदा ए, तुर जावे जद बाप ते रोना पैंदा ए। बाप औलाद दा रिश्ता वखरा हुंदा ए, तुर जावे जद बाप ते रोना पैंदा ए। ओए कंदे बाप दे बचपन दी असवारी सैं, पींगी हथां दी झूठनी वखरे नजारे सैं। कंदे बाप दे बचपन दी असवारी सैं, पींगी हथां दी झूठनी वखरे नजारे सैं। बच्चियां दे दुख पुत्रां दे दुख धियां दे दुख कदे भी बाप नहीं सहिंदा ए, तुर जावे जद बाप ते रोना। ओए दसो खां फिर
किसनों इंज सताओगे, गल गल दे नाल जेड़ा कि दे नाल लाओगे। दसो खां फिर किसनों इंज सताओगे, गल गल दे नाल जेड़ा कि दे नाल लाओगे। बच्चियां दी हर गाली बाप सहिंदा है, बच्चियां दी हर गाली बाप सहिंदा है। तुर जावे जद बाप ते रोना पैंदा है, बाप औलाद दा रिश्ता वखरा हुंदा है। तुर जावे जद बाप ते रोना, जगां दे पीर भी जदों प्यो दी कबर ते पहुंचे, बाप दी कबर ते पहुंचे, मेरे पैगंबर दे भी सबर दे बंधन टुट गए। मेरे मां बो पैगंबर अलैहिस्सलातो सलाम नाल प्यार करन वाले आप इमामे कैनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दे नाल मुहब्बत करन वाले आ दीवाने आ परवाने आ, तवज्जो करना आंसू मेरे नबी दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जे बचपन है, अजे मेरे मांबो पैगंबर अलैहिस्सलातु वसलाम दी 5-6 साल दी उम्र है। इमामे कैनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदो अपने बाप दी कबर ते कुछ वक्त मेरे पैगंबर ने मदीना मुनव्वरा दे अंदर गुजारिया, कुछ वक्त यसरब दी सरजमीन ते गुजारिया, कुछ वक्त गुजारन दे बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापसी दा रास्ता इख्तियार कीता। आखरी बार अपने बाप दी कबर ते पहुंचे ने, अपने बाबा दी कबर ते पहुंचे, कबर दी ज़ियारत कीती, फिर वापसी दा सफर इख्तियार कीता। अज काफिला चलदे आ चलदे आ, जदों मकामे अबवाब ते पहुंचे ने, अजे मेरे पैगंबर दी उम्र 6 साल है। नबी पाक दी वालदा मोहतरमा सैयदा आमीना बीबी आमीना बीमार हो गई हैं सफर के अंदर ही। यसरब तो यसरब इस वजह तो आख्या जाता है, यसरब का मानी बीमारियों का घर है। जेड़ा भी इतों गुजरिया करता कोई ना कोई बीमारी लग जाती। सैयदा आमीना जो वापस गई न, बीबी आमीना बीमार हो गई, बीमारी बढ़द मेरे मांबो पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बार बार अपनी माँ का ख्याल करते ने, कि माँ के कदम दबाते हो गए, कि माँ के हाथ दबाते हो ਹੋਣਗੇ, ਕਿਤੇ ਵਾਲਦਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਸੈਯਦਾ ਆਮੀਨਾ ਦਾ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬ ਕੀਤਾ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਮੱਥੇ ਬੂਸਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਡੁੱਲ ਪਈਆਂ, ਆਖਿਆ ਨੀ ਉਮੇ ਅਮਨ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਕਰੀਬ ਆ। ਉਮੇ ਅਮਨ ਕਰੀਬ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਹੱਥ ਸੈਯਦਾ ਉਮੇ ਅਮਨ ਦੇ ਹੱਥ ਅੰਦਰ ਦੇ ਛੜਿਆ, ਤੇ ਬੀਬੀ ਆਮੀਨਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀ मैनू इंज लगता है जिवें अज दे बाद मैं अपने मुहम्मद दे मत्थे बूसा नहीं कर सकना। इंज लगता वे जिवें अज दे बाद मेरे हाथ दे सीते कपड़े मेरे पुत्र मुहम्मद ने नहीं पहन सकने। इंज लगता है जिवें जुदाइयां दा वक्त आ गया। नी उम्मे अहमद ऐ मेरे बेटे मुहम्मद नू नाल मक्के लै जावी। उम्मे अमन ख्याल करी मेरे मुहम्मद नू धुप भी ना लगन देवी, मेरे मुहम्मद नू भुख भी ना लगन देवी। बोबे वालदियो नौजवानो, मां भावें दुनिया तू जान लगे पर मां नू अपनी कबर की इन्नी फिक्र नहीं हुंदी जिन्नी अपने पुत्रां की फिक्र हुंदी है। मां नू अपनी आखरत की इन्नी फिक्र नहीं हुंदी जिन्नी अपने बच्चियां की फिक्र हुंदी है। आखिया नी उम्मे अमन मेरे पुत्र नू बैतुल्ला अंदर मक्के अंदर लै जा। उम्मे अमन मेरे पुत्र नू धुप भी ना लगन देवी, मेरे पुत्र नू भुख भी ना लगन देवी। किते एज ना होवे मक्के दियां गलियां अंदर मुहम्मद मां दी याद अंदर रोंदा ना होवे। अज गल्ला करदे आ करदे आ सैयदा आमीना दे आखरी सांग है। सैयदा आमीना दुनिया तो रुखसत हो गई हो, मेरे पैगंबर करीब आए ने
अम्मी जरा और बोल दी ना, मां थोड़ी देर ते और गल्ला कर लेंदी, पर सोने रब दिया मर्जियां। सैयदा आमीना दुनिया तो रुखसत होइया ने, इसे मकाम ते मकाम अबवा ते कबर बनी है। इथे बीवी आमीना नु औलाद अंदर उतारे है, मेरे पैगंबर अपनी मां दी कबर दे करीब बैठे, मेरे मुस्तफा रो रहे ने। अब्दुल मुतलब ने आखिया, आ सोने मुहम्मद चलिए ना वापस अपने वतन नो, चलिए ना वापस अपने इलाके नो, अज मेरे पैगंबर चल रहे ने। मैं तसव्वुरात दी दुनिया अंदर आयो, नबी पाक चलते अगे ने, मेरे मुस्तफा दियां नजरां पीछे होणगियां। मैं ते बाप दी कबर वेखण आया सां, की पता सी मां दी कबर बना के टुर जाणा। मैं ते बाप दी कबर वेखण आया सां, की पता अज मेरी मां ने भी जुदाइयां दे जाणियां ने। ओए मेरे मुस्तफा दे आंसू बचपन अंदर, मेरे पैगंबर ते किड्डे दुख आए ने। सोने मुस्तफा दी उम्र 6 साल, ऐ तसव्वुर करो ना अपने बच्चियां नूं सामने रख के, 6 साल दा बच्चा किड्डा कुंदा है। इमामे कहना ते उदों मुसीबत ते परेशानी आई है, पर मेरे महबूब पैगंबर ने अल्लाह ताला दा शिकवा ते गिला नहीं कीता। चलदे आ चलदे हो, जदों बैतुल्लाह दे अंदर पहुंचे ना, किसे ने आखिया, ऐ अब्दुल मुतलब जदों यसरब गए सौ, उदों मुहम्मद दी मां आमीना नाल गई सी, अज वापस आयो, बीबी आमीना नजर नहीं आ रही। मेरे मुस्तफा छोटे छोटे हत्थां दे नाल अपने आंसू साफ करदे ने, हिचकियां बज गई। आखिया सवाल करन वाले हो, अज मां जुदाइयां जदे गई है, अज मां अल्लाह नूं प्यारी हो गई है, मकामे अबवात अम्मी आमीना दी कबर बना के अगे चले। आखे आप दादे ने, ऐ सोने मुहम्मद गम ना कर, जिन्नी मेरी जिंदगी है मैं तेनों बाप वाला भी प्यार करांगा, मैं तेनों मां वाला भी प्यार करांगा। फिर इंज करके दादे ने मुहब्बत कीतिया कि ऐसा तख्त अब्दुल मुतलब दा बैतुल्लाह दे अंदर, जिस तख्त ते पुत्र नहीं बैठ सकदे, लेकिन मेरे मुस्तफा बैठ जांदे। कदे भी किसे बेटे ने पकड़ के अठाणा, अब्दुल मुतलब दी अखां च आंसू आ जाने। आखिया करना ना उतारे आजे, मेरे पुत्र मुहम्मद नूं ना उतारे आजे, कि दे दे से अंदर ख्याल ना जावे। अज मेरा बाप अब्दुल्ला हुंदा ते मैनूं तख्त तो ना उतार दो, कोई गल नहीं, मेरे नाल ही बैठन देवो। वक्त गुजरदियां गुजरदियां, अजे पहला गम टुटिया है, अजे पहला गम भुलिया नहीं है। 8 साल दी उम्र हुई है, 2 साल दादे ने बड़ी मुहब्बत की थी, 2 साल दादे ने बड़ा प्यार किया। जदों 8 साल मेरे मुस्तफा दी उम्र हुई है, दादा अब्दुल मुतलब बीमार हो गया। बीमारी बढ़दियां बढ़दियां अपने पुत्रां नूं बुला लिया, आखिया मेरे बचियो, मैनूं अपनी सुल्तनत दा फिक्र नहीं है, अपनी दौलत दा फिक्र नहीं है, अपने पैसे दा फिक्र नहीं है। अगर आज भी मैनूं फिक्र है ते मुहम्मद दा फिक्र है, अज भी मैनू फिकर है ते सोने मुहम्मद दा फिकर है। मेरे बच्चियो दसो ना कौन है जेड़ा मेरे पोतरे दा ख्याल करेगा, एदी परवरिश दा ख्याल करेगा। आए जनाबे हमजा, आखे अबू जी इजाजत होवे ते मैं ख्याल करांगा। आखिया नहीं हमजा, तू शिकारी बंद है, शिकार ते किते दूर निकल जाएगा, किते मेरा मुहम्मद तेरिया रावां ना तकदा रह जावे। कोई और पुत्र बोले, अबू तालब खड़े होए, हजरत अली दे बाबा, आखे अबू जी इजाजत होवे ते मैं ख्याल करांगा। आखे अबू तालब करीब आ, अबू तालब करीब आए ने, अज मेरे मुस्तफा दा हाथ अबू तालब दे हाथ अंदर दिता ते सारे मजमे विच अखां बरस गईयां ने। आखे अबू तालब, मेरे पुत्र मुहम्मद दा ख्याल करी, इन्हों परेशानी ना आन दे, इहदे नाल खड़ा होई, औखे सौखे वेले साथ देवी। अबू तालब ने मेरे मुस्तफा नूं नाल लिया, अज घर अंदर दाखल होए ने, ते सैयदा फातिमा बिनते असल हजरत अली दी वालदा इहदियां नजरां पईयां ते समझ गईयां। मेरे मुस्तफा नूं सीने लाया, फरमादियां ने, सोने मुहम्मद
साला कोई यतीम ना हो जावे। ओए जवानों जानदे हो भोपे वाल दियो नौजवानों, जदों मापे टुर जावे फिर छोटे छोटे बच्चे हुंदे ने, मापे दुनिया तो रुखसत हो जावे फिर बच्चियां नूं होटलां ते बर्तन भी धोने पैंदे ने, जे मापे दुनिया तो टुर जावे फिर गड्डियां ते टायर भी धोने पैंदे ने, जे मापे दुनिया तो टुर जावे फिर घरां दियां सफाइयां भी करनियां पैंदियां ने, जे मापे दुनिया तो टुर जावे फिर लोकां दे तमाचे भी खाने पैंदे ने, जे मापे दुनिया तो टुर जावे फिर सर्दी दियां लंबियां रातां भुख दे नाल भी गुजारनियां पैंदियां ने, जे मापे टुर जावे फिर जनाब ना अज रोड़ां ते खड़ो के ते रोटी दी भीख भी मंगनी पैंदी है, जे मापे दुनिया तो टुर जावे फिर ईद वाला दिन हुंदा मापिया दी कबर ते जाके रोना पैंदा, अबू जी अम्मी जी अज ईद वाला दिन है, चाचियां ने अपने बच्चियां दे कपड़े लै लै, ताया जी ने अपने बच्चियां दे कपड़े लै लै, फौजां ने अपने बच्चियां दे कपड़े लै लै, पर सानू किसे ने नहीं पुछया अज साडा बाप जिंदा हुंदा ते पुछदा, अज साडी मां जिंदा हुंदी ते पुछदी, ओए जवानों शाला किसे दा बाप ना टुर जावे, शाला किसे दी मां ना टुर जावे, फातिमा बिनती असद ने मेरे मुस्तफा नू सीने लाया, आखिया सोने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तेरी इंज करके नौकरी करांगी, इंज खिदमत करांगी, मैं आमिना ते नहीं बन सकदी, अबू ताला अब्दुल्ला दी तरह मुहब्बत नहीं कर सकदा, पर अपना सब कुछ तेरे तू कुर्बान करांगे। फिर सैयदा फातिमा बिनते असद हजरत अली दी वालदा ने इंज नबी पाक दा ख्याल कीता, जदों फातिमा बिनते असद मदीने च फौत होईयां सन ना उदों मेरे पैगंबर बड़े रोए, फरमाया मैं रज के मां दी मुहब्बत ते लई नहीं सी, फातिमा ने आमना तो भी ज्यादा मुहब्बत दीती सी लोको, अज अली दी नहीं अज मुहम्मद दी मां दुनिया तो टुर गई, मेरा ख्याल इन्हें कीता परवरिश ने की, ऐ नबी पाक दे बचपन दे दुख ने, ओए मेरे दोस्तों साडे ते दे थोड़ा जिहा दुख आए परेशानी आए असी फौरन गिले शिकवे फौरन असी कहने पता नहीं साडे ते अल्लाह मेहरबान नहीं हुंदा, अल्लाह फरमांदे ने अलम यजिद का यतीमन फआवा, महबूब तेनू यतीम पैदा करके फिर शान किन्ना दिता है, बुलंद मकाम मरतबा, मां भी दुनिया तो टुर गई बाप भी टुर गया दादा भी टुर गया, अल्लाह ताला ने दसिया महबूब जी दुनिया दे सहारियां दी उन्हों कोई लोड़ नहीं, जिदे नाल रब दा सहारा जिदे नाल होए उन्हों दुनिया दे सहारियां दी कोई लोड़ नहीं, अल्लाह ताला नबी पाक नाल मुहब्बत करने वाला बनाए, अल्लाह ताला हर मुसीबत परेशानी अंदर सबर करने वाला बनाए, अल्लाह ताला पूरे पिंड नूं आबाद और शांत रखे, और अल्लाह ताला भाई मुहम्मद जफर जफर केस्ट सीडी सेंटर जफर सीडी सेंटर उकाड़ा, अल्लाह ताला मेरे भाई नूं सेहत ईमान वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए, आखिर दुआ कर दियो बीमारा लई फुश, हाँ खाना बाद अंदर सारे दोस्तों लिए खाने दा ज़ियाफ़त है, तमाम है सारे भाई खाना खा के जाए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल अक़बतु लिल मुत्तकीन, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد, اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد, ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين, يا الله سی تیرے گنہگار بندے سیاکار بندے خطاکار بندے, اللہ سونے ساڈے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما, اللہ جی ساڈے ظاہر باطن گناہ معاف فرما, اللہ جی جتنی تیری ذات رحیم ہے اتنا ساڈے تے رحم فرما, یا اللہ جتنی تیری ذات کریم ہے اتنا ساڈے تے کرم فرما, الہ العالمین پائی محمد ارسلام دی والدہ محترمہ دے درجات بلند فرما, اللہ سونیا قبر نو جنت دا باغ بغیچہ بنا, صغیرہ کبیرہ ظاہر باطن گناہ معاف فرما,
अल्लाह इस मेरे भाई दे कारोबार मालो जान अंदर रिज़क अंदर खैर व बरकत फरमा। इलाहुल आलमीन भाई मोहम्मद अब्दुल्ला दे कारोबार मालो जान अंदर रिज़क अंदर खैर व बरकत फरमा। ए जितने दोस्तां बाप आए ने अल्लाह सब नो बैतुल्ला दा दीदार नसीब फरमा, मदीना मुनव्वरा दा दीदार नसीब फरमा। नबी पाक दे रौज़े पाक दे करीब खड़िया हो के रज रज के महबूब ते दुरूद पढ़न दी तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह सुनिया साड़ी दुनिया भी सोहनी बना, साड़ी आखरत भी सोहनी बना। या अल्लाह फलस्तीन दे मजलूम मुसलमाना दी मदद फरमा। या अल्लाह मस्जिद अक्सा नूं रिहाई नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन फलस्तीन दे छोटे छोटे बच्चियां दे हत्थां दे कैंकरां नूं इसराइलियां वास्ते एटम बंब बना। अल्लाह सोहणिया मस्जिद अक्सा नूं आजादियां नसीब फरमा। यहूदो नसारा दियां साजिशां तों महफूज फरमा। मालिका जो मंगे अता फरमा, जो नहीं मंगिया साडे वास्ते बेहतर अल्लाह तो जानने बिन मंगे अता फरमा। या अल्लाह एक मेरी बहन मुल्तान अंदर बीमार ने, अल्लाह उस मेरी बहन नु मुकम्मल शफाए कामला जला नसीब फरमा। या अल्लाह उस मेरी बहन दिया जाहिर बातिन तमाम बीमारियां दूर फरमा। अल्लाह सोनिया ने कमाल कबूल फरमा के शफाए कामला जला नसीब फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरी खल्क़िही मुहम्मद माला आलिही व सहाबिही व अहली बैतिही व ज़ुर्रियातिही अजमईन।